अस्सलाम वालेकुम, राज के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। आप लोगों ने लास्ट प्रोग्राम को इतना ज़्यादा लाइक किया और उसका इतना ज़बरदस्त फीडबैक दिया। आज की इन्वेस्टिगेशन जहां पे मैं आपको वो कुछ दिखाने जा रहा हूं जो शाम को अभी खूब अंधेरा नहीं हुआ था, मैं खुद विजिट करने के लिए गया हूं, तो बहुत कुछ अपनी आंखों से देख के आया हूं। असल में इस जगह पे 10 से 15 दिन पहले दो लोगों का मर्डर हुआ है, कत्ल हुआ है। कुछ लोगों ने वहां पे दो तीन सायों को इस तरह देखा है जो दूर से भी इस तरह रोशनी में बकायदा नजर आ रहे थे, जैसे इंसान हैं वहां पे फिर रहे हैं और ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं, लेकिन साथ ही उनकी आंखों ने देखा वो गायब हो गए। जब मुझे इस तरह की लोकेशन के बारे में पता लगा तो मैंने कहा ये बात सच है या उनका वहम है, मैं पहले विजिट करके आता हूं। जब मैं वहां पर पहुंचा, अभी सूरज गरूब नहीं हुआ था, थोड़ी थोड़ी रोशनी सूरज की थी, गरूब होने वाला था। यकीन मानिए, रोशनी में मेरी आंखों ने जितना वहां पर नजारे देखे और जितना कुछ मैंने वहां पर महसूस किया है, उस वक्त अपना मोबाइल भी नहीं लेके गया था। मुझे इतना यकीन हो गया कि जब यहां पे मैं इन्वेस्टिगेशन करूंगा तो मेरा कैमरा बहुत कुछ यहां पे रिकॉर्ड करेगा। यकीन मानिए, रोशनी में क्लियर कुछ नजर आ रहा था कि बहुत ज्यादा एक्टिविटी है और मैंने अपनी आंखों से देखा लोग ऐसे साए हैं जो फिर रहे हैं। तो फिर मैंने फैसला किया यहां पर इन्वेस्टिगेशन करूं, लेकिन मुझे खौफ था उस वक्त भी जब मैं वापस आ रहा था, ये सोचते हुए कि रात के पहर जब मैं यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करूँगा, जिनात और इस तरह की जो चीज़ें मैंने अभी देखी हैं, ये हमजाद है या जो कुछ भी है, ये तो मैं शायद रिकॉर्ड करने में कामयाब हो भी जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे वो जो भी भटकता हुआ आत्मा है, वो हमजाद है, जो भी है, वो अपने आप बेचैनी और अपने आप को महसूस करवा रहा है, जो भी जाए उसको महसूस करवाता है। लेकिन एक ख़तरा मुझे वहाँ पर और भी आते हुए जो मैं सोच रहा था वो है कि पहाड़ों के उसी साइड पर जहाँ पर गारें बनी, उससे थोड़ा सा दूर ही पहाड़ हैं, वहाँ पर बहुत सारे लोग रात को आके ड्रिंक करते हैं और इस तरह की एक्टिविटीज़ जो नेगेटिव एक्टिविटीज़ होती है वो करते हैं, तो वो क्रिमिनल लोग होते हैं। तो मुझे बताया गया कि आपने एहतियात करनी है वहाँ पे जाते हुए, वो लोग अगर वहाँ पे आ गए तो आपकी ज़िंदगी को, आपकी लाइफ को, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने अब वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन जाके करनी है, मुझे उनसे भी डर है, अगर वो लोग आ गए तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा है, मुझे इतना यकीन है कि मेरा कैमरा यहाँ पर बहुत कुछ, मैं पहले से आपको कह रहा हूँ, अभी मैंने इन्वेस्टिगेशन नहीं की, मैं यहाँ पर बहुत कुछ रिकॉर्ड कर लूँगा। लेकिन इस हद तक कि अकेला जा रहा हूं, डेंजरस जगह है गारों के अंदर, जहां मुझे महसूस होगा कि नहीं, अब मेरी जिंदगी को खतरा हो सकता है, रिस्क हो सकता है, वहां पे मैं अपने आप से अहद कर चुका हूं, पैकअप कर लूंगा, अपनी जिंदगी को रिस्क पे नहीं डालूंगा। लेकिन इतना मैं यकीन कामिल से कह सकता हूं, मुझे कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ वहां पर क्लियर रिकॉर्ड होगा, क्योंकि वो मखलूक अपना आप वहां पर वाजे महसूस करवाती है। तो आइए वक्त ज़ाय किए बगैर चल के देखते हैं जो कुछ मेरी आंखों ने देखा और बहुत सारे लोगों ने देखा, उसको ना सिर्फ कैमरे में रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं बल्कि देखते हैं क्या छुपा है यहां पे राज। जी ये मेरी लोकेशन है आज की, ये देखिए ये सारा वीराना है और दूर पहाड़ हैं, आबादी से बहुत दूर हूं मैं। ये क्या हो रहा है स्टार्ट में ही, या अल्लाह खैर, आबादी से बहुत दूर हूँ मैं। ये क्या हो रहा है स्टार्ट में ही, या अल्लाह खैर, लेकिन ऐसा कहीं और भी नहीं है, इस जगह पे है ये। है समझ नहीं आ रही, या अल्लाह खैर, स्टार्ट में ही है। चलें खैर मैं आपको दिखा दूं, डी फोकस क्यों हो रहा है मेरा कैमरा, ये क्या है, ये देखिए ये वीराना, ये जंगल, और मैं अब उस लोकेशन की तरफ आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ूंगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि खामोशी इख्तियार करूं, ज़्यादा बोलूं ना। ये मेरे माइक ने रेत पे चलने की आवाज़ रिकॉर्ड की है। ये मेरे माइक ने रेत पे चलने की आवाज रिकॉर्ड की है। ये शुरू में ही मट्टी देखे ना, ये देखे मट्टी इधर नहीं है, ये देखे इधर मट्टी नहीं है। ये शुरू में ही
मट्टी देखे ना, ये देखे मट्टी इधर नहीं है, ये देखे इधर मट्टी नहीं है। यार ये किस चीज का बादल था? खैर ये देखिए जी, ये है वो जगह जिसके बारे में मैंने आपको ओपनिंग में बताया है, छुपी हुई जगह है, यहाँ पे लोग आए थे। ऐसी जगह पे पहली बात है अकेले आना, क्या हुआ है कैमरे को, कैमरा डिफोकस क्यों हो रहा है? ये कोई अच्छा साइन नहीं है, फीलिंग कुछ अजीब सी है, बिल्कुल है 100%। अब मैं कोशिश करूँगा बगैर आवाज़ पैदा किए अंदर जाऊँगा, और जो चीज़ भी है, ये देखिए, अब ये देखिए, मैं एक जगह पे खड़ा हुआ हूँ, मैं बिल्कुल अपनी जगह से हिला नहीं हूँ। ये क्या हुआ है? समझ से बाहर है। और जो चीज़ भी है, ये देखिए, अब ये देखिए, मैं एक जगह पे खड़ा हुआ हूँ, मैं बिल्कुल अपनी जगह से हिला नहीं हूँ। ये क्या हुआ है? समझ से बाहर है। या तो ना मैं अपनी जगह से हिला हूँ, मैं अकेला आया हुआ हूँ लेकिन मैं अपनी जगह से हिला नहीं हूँ। कोई लाइट पैदा हुई है? असल में दूर इस वक्त जूम नहीं जाएगा कैमरे का, वो दूर जो है वो पहाड़ हैं, इन पहाड़ हैं और ये सारा वीराना है। ये फिर कोई चीज़ क्या चमकी है? इन वीरानों के अंदर बहुत से राज छुपे हैं, लेकिन आज जिस चीज़ की मैं इन्वेस्टिगेशन करने आया हूँ, ये देखिए, ये अल्लाह रहे हुए 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 हुए। ये वाकई बहुत भयानक है, मुझे लगता है मुझे लाइट चलानी पड़ेगी। या अल्लाह रहम, ये देखें, ये खारनुमा बने हुए हैं। ये कौन है? ये मेरा वहम था या कुछ खड़ा हुआ था सामने? ये कौन है? ये मेरा वहम था या कुछ खड़ा हुआ था सामने? या अल्लाह रहम। अब मेरी आंखें नहीं देख पा रही, अंधेरा गुप है, कैमरे की लाइट है और ये छुपा हुआ रास्ता है, कैमरे की लाइट है, इंफ्रारेड लाइट जो नाइट वियन की है, इस ये सिर्फ देख पा रही है, मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। या अल्लाह रहम। एहतियातन मैं मोबाइल चला लूँ तो स्टार्ट में कोई मसला ना बन जाए, फिर मैं बंद कर दूँगा। ये देखिए, ये लकड़ियां जली हुई है। ये क्या था? हेलो, ये क्या है? बाहर मुझे ठंड नहीं लग रही थी, अंदर ठंड लगनी शुरू हो गई है। ये देखें, ये कोई आवाज आ रही है। स्टार्ट में ये देखें, ये
कोई आवाज आ रही है। स्टार्ट मी। ये अभी मैं अंदर दाखिल नहीं हुआ। ये क्या हुआ? घुमा के दिखाता हूँ। ये देखिए पूरा कैमरा मैं आपको घुमा के दिखा रहा हूँ। ये क्या हुआ है? ये ऊपर भी देखिए। अभी तो मैं अंदर दाखिल भी नहीं हो पाया। या अल्लाह रहम। मैं एक जगह पे रुका हूँ। मुसलसल को ये सरसराहट है। मैं एक जगह पे रुका हूँ। मुसलसल को ये सरसराहट है। मैं एक जगह पे रुका हूँ। मुसलसल को ये सरसराहट है। ओके, मैं अंदर जाता हूँ। 100% मैं इस प्रोग्राम के शुरू में कह सकता हूँ इस घर के अंदर कुछ है। 100% कुछ है। ये देखिए बाहर इतना सा रास्ता मैंने तय किया। आग की स्मेल आ रही है। ये या अल्लाह। ओए होए, ये बहुत ज्यादा है। ये देखिए। ओए होए, ये बहुत ज्यादा है। ये बहुत ज्यादा है। ये देखिए, अब ये देखिए इतनी सी जगह है। ये मैं आपको एक दो सारा दिखाता हूँ। ये देखें। ओए होए 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 होए, ये घर टाइप है। कहाँ से आ रही है ये? ये मैं नाइट वी एन ऑफ करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये क्या है? या अल्लाह खैर। क्या है मुझे नहीं पता।
ये भी देखिए, ये कुछ लिखा हुआ खून से, ये देखिए। दिल को कुछ हो रहा है, ये कौन बोलो, दिल को कुछ हो रहा है, ये कौन बोलो, ये अल्लाह रहम, ये क्या था, ये अल्लाह रहम, ये क्या था, ओए क्या है, ओह या अल्लाह, ओए ये टायर जा रहा है, ये नहीं मेरा, आए मेरे पीछे, मुझे अपने आप को नॉर्मल करना है एक मिनट के लिए।
मसला ये है, यहाँ पे भी मैं अकेला हूँ। हादसे की सूरत में मसला बन जाएगा। ये देखिए दूर दूर तक जंगल है। जिंदगी खतरे में नहीं डालना। मुझे अपने आपको नॉर्मल कर लेना है। या अल्लाह रहम, या अल्लाह रहम, या अल्लाह रहम। ये मुझे तो कपड़े है, ये मुझे तो कपड़े है। नहीं, आज मैंने हादसा नहीं कराना। अभी मेरे इतना कुछ हो गया, मैं हादसा नहीं कराना। एक तो मैं घर के अंदर जाऊंगा और भागता हुआ वापस आ जाऊंगा। आप दोनों से पकड़ूं कैमरे को। मैंने हादसा नहीं कराना। ये ऐसे था जैसे किसी ने पिस्टल की फायरिंग की है मेरे ऊपर। ये पिस्टल की फायरिंग थी बकायदा, जैसे कोई पिस्टल की फायरिंग करता है। क्या मुझे अंदर जाना चाहिए? क्योंकि पिस्टल की फायरिंग के बाद मैं डर गया हूँ। ये देखिए, या मैं आपको खड़े हो गए यहाँ पे चारों तरफ कैमरा घुमा के दिखाता हूँ। ये देखिए, मैं अपने चारों तरफ आपको कैमरा दिखा रहा हूँ। ये वो घर है, ये किसी इंसान ने मुझे डराया या वाकई किसी जिन ने मेरे साथ हरकत की मुझे नहीं पता, लेकिन बड़ा डेंजरस था। क्या मेरा अंदर जाना ठीक होगा? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे दो कत्ल हो चुके हैं। ये ऑलरेडी यहाँ पे दो कत्ल हो चुके हैं। ये ऑलरेडी यहाँ पे दो कत्ल हो चुके हैं। ये वो इज देयर इस घर के मेहनत तक जाता हूँ। इस घर के एंड तक मैं जाता हूँ। आवाज़ें आ रही हैं, मुसलसल आ रही हैं। ये पीछे, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, मुझे जाना है। ये देखिए, ये मेरे पीछे घर। ये देखिए, ये दीवार है, ये घर। ये कौन? प्रोग्राम करना ना, डर सिर्फ तक क्या लगता है जिनात का नहीं है। इस तरह अगर जिनात ने वो साइन दिया तो फिर तो ठीक है, अगर पिस्टल की आवाज़ है फिर खौफनाक है। वो सामने कोई है। ओए अल्लाह करी कैमरे के थ्रू में आ रहा हूँ। सामने कोई है। जिस साइड से मैं आया हूँ उस साइड पे है। नहीं, यहाँ से नहीं नजर आ रहा, यहाँ से क्लियर नज़र आया है। मोबाइल की रोशनी मुझे दूर नज़र आया है, लेकिन 100% कोई था। 100% इधर कौन किस तरह हो सकता है? लेकिन 100% कोई था। 100% इधर कौन किस तरह हो सकता है? लेकिन 100% कोई था। 100%
इधर कौन किस तरह हो सकता है? मुझे नॉर्मल करना अपने आपको। अकेले हूँ और इसकी छत भी नहीं है ना, ये देखिए ये इतनी छत है, मेरा सर टच होता है। ये देखिए एक मिनट, नाइट वी ऑफ करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ओए होए, ये देखिए मैं कैमरा ऊपर नहीं कर पा रहा, किधर है कैमरा, ये अंदर है। ये देखिए ये मेरे सर के साथ टच हो रही है, ये बस कैमरा इतना ऊँचा मैं कर सकता हूँ, इससे ऊँचा मैं कैमरा भी नहीं कर सकता। रात के देखा ना, गलती होगी मुझसे, गलती होगी, मैं तो जो हट गई थी मेरी, पर नहीं, बस मकसद इन्वेस्टिगेशन करना होता है। जब आपको लगे कि ज़िंदगी अब रिस्क में आ सकती है, जितना ये ख़तरनाक जगह है और जिस तरह के यहाँ पे साइन मिल रहे हैं, नहीं ग़ार के अंदर इस तरह अकेले प्रोग्राम करना कि आपकी ज़िंदगी रिस्क में ना आ जाए, अल्लाह ना करे दोबारा मुझे कोई हादसा पेश आ जाए, इस तरह अकेले प्रोग्राम करना, ओह ओह अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ये देखिए, ये अल्लाह अकबर, ये अल्लाह अकबर। ये देखिए इसी जगह से मैं वापस आया हूँ, देखिए तीनों दिखाता हूँ, नहीं इनफ। ये देखिए, ये जो आखिर में हो गया, मेरे ख्याल में मुझे यहाँ से भागना चाहिए। सो ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ मैं किस रास्ते से आया हूँ, मेरे ख्याल में मुझे अब वापस जाना चाहिए। इस जगह पे कुछ नजर आया, बस इतना होता है प्रोग्राम करना। ये ऊपर रोड सी है और ये छुपी हुई सी गार है, बस इतना होता है प्रोग्राम करना। ये ऊपर रोड सी है और ये छुपी हुई सी गार है, मुझे मेरे हमें यहाँ से भागना है। ये देखिए मैंने ऊपर चढ़ना है, रेत है ये, मैं आपको नाइट वी एंड ऑफ करके दिखाता हूँ। ये देखिए वीराना, नाइट वी एंड में नहीं दिखा पाएगा क्योंकि दूर दूर तक ये वीराना है। ये देखिए छुपी हुई है जगह है, छुप गई है वो जगह। ये देखिए नाइट वी, ये देखिए ये जगह छुप गई है, इसको अब मैं ऑन करके ऊपर चढ़ रहा हूँ। ये देखिए ये मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, ये देखिए ऊपर ये सारा रास्ता, और वो मैं यहाँ पे नीचे था नाइट वी में ही, ठीक है नहीं नज़र आ रहा है। ये देखिए ये मैं नीचे था, अल्लाह अकबर, और ये मैं ऊपर जा रहा हूँ, काफ़ी नीचे है, ये देखिए बहुत ज़्यादा नीचे है, मैं काफ़ी ऊंचाई पे हूँ।
ये देखिए ये मैं नीचे था, ये बहुत ज़्यादा नीचे, अभी कैमरा नहीं शायद दिखा पा रहा, ये मैं बहुत ज़्यादा नीचे था, मुझे इससे ज़्यादा, ये देखिए नीचे इधर, ये देखिए कितनी मैं ऊंचाई पे हूँ, ये नीचे, अब मुझे भागना है। ये देखिए अभी तक आवाज़ें आ रही हैं। ये थी आज की इन्वेस्टिगेशन, जिसमें सच बात यह है कि मैं भी आखिर में बहुत ज़्यादा डर गया था, क्योंकि मैं फैसला कर चुका था कि अब मैंने अपनी ज़िंदगी को रिस्क में नहीं डालना, क्योंकि मैं अकेला आया हुआ था। तो इसलिए मैंने बेहतर समझा कि यहीं पे ही रिकॉर्डिंग को पैकअप करूँ, जो साइन जिसकी रिकॉर्डिंग के लिए मैं आया था वो मैं रिकॉर्ड कर चुका था, इसलिए बेहतर यही था कि अब मैं यहाँ से चला जाऊँ। तो उम्मीद है आज की इन्वेस्टिगेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर आज की मेरी ये कोशिश आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, MMTV को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं एक और नई जगह पे, नई इन्वेस्टिगेशन में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।